इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जॉन टेलर प्रमेय। ये हमारी बीएससी सेकंड ईयर की जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर दिया हुआ है, और यूनिट का जो नाम है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो उसमें दिया हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है जॉन टेलर थ्योरम, ठीक है, जॉन टेलर प्रमेय। आखिरकार दिया किसने? तो ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। कब दिया? तो ईयर 1937, सन 1937 में इस नियम को दिया गया। साइंटिस्ट के नाम क्या है? हरमेन जॉन। क्या नाम है उनका? हरमेन जॉन, ठीक है। फिर उसको जान कर दिया, जॉन से जान कर दिया उसको, ठीक है ना। फिर एडवर्ड टेलर, किसने? एडवर्ड टेलर। तो हरमेन जॉन और एडवर्ड टेलर ने इस थ्योरम को डेवलप किया, इस प्रमेय को उन्होंने दिया। उन्होंने किसके लिए दिया? तो एक बड़ी अच्छी सी लाइन यहां पर लिखी हुई है, अरेखीय आणविक तंत्र की ज्यामिति विकृत हेतु इसे प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है, अरेखीय का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन लीनियर हो। क्या हो? नॉन लीनियर मतलब जो रेखीय नहीं हो। अरे समझ में, रेखीय का मतलब जैसे मैंने लिखा यहां पर BeCl2, क्लियर है, तो ये तो रेखीय हो गया। पर ये जो थ्योरम है किसके लिए दिया गया? अरेखीय के, यानी नॉन मॉलिक्यूल के लिए दिया गया। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए दिया गया, तो नॉन लीनियर यानी अरेखीय आणविक तंत्र के लिए दिया गया। और उनकी किसको बताया गया? उनकी ज्योमेट्री को बताया गया, उनकी ज्यामिति को बताया गया, यानी उनकी संरचना को बताया गया। और संरचना के बारे में क्या बताया गया? तो उनकी संरचना विकृत होती है। विकृत का मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। उसके लिए यह थ्योरी या सिद्धांत दिया गया, क्लियर है। अब इस सिद्धांत के अंदर हम वो कुछ समझने की कोशिश करें तो आखिरकार हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, तो उसमें दो लाइन इसके अंदर ऐड कर लीजिए, आप लोग ऐड कर लीजिए। इस प्रमेय के अनुसार एक लाइन ऐड कर लो इसके अंदर, छोटी सी लाइन है वो ऐड कर लीजिएगा। इस प्रमेय के अनुसार, यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लिखना, अणु यदि समान ऊर्जा में, अणु यदि समान ऊर्जा में असममित रूप से, असममित रूप से इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो, इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो कक्षकों की ऊर्जा, कक्षकों की ऊर्जा की समतुल्यता समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक विकृति उत्पन्न होती है, एक विकृति उत्पन्न होती है। यह विकृति सम्मिति कमी करके, सम्मिति में कमी करके ऊर्जा में कमी करती है, मतलब सिमेट्री भी कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी में भी डिस्टरबेंस आ जाता है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं यहां पर दो अच्छी सी बातों की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। हम बात करते हैं यहां पर अष्टफलकीय संकुलों के लिए, किसके लिए? अष्टफलकीय संकुलों के लिए, यानी कि ऑक्ट्राइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि अष्टफलकीय जो संकुल रहते हैं उसके अंदर, या उनका जनरल फार्मूला हम लिखें तो Mn6 लिख सकते हैं, मतलब एक मेटल होगा और छह लिगेंड होंगे, ठीक है ना, एक मेटल और छह लिगेंड उसके अंदर हो सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा CuNH3+2+, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, CrNH3+2+, ऐसा कोई एग्जांपल मैंने ले लिया। तो हम कहने कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ कितने लिगेंड हैं? छह लिगेंड हैं,
क्लियर है। अब छह लिगेंड है मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की होगी। अब उसकी मैं ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करूं तो मैं ज्योमेट्री जब बनाने जा रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैंने कहा कि मेरे पास मेटल है, क्लियर है, इस मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड है, छह लिगेंड, इस तरीके से मैंने छह लिगेंड बना दी, क्लियर है। और इस तरीके से मैंने छह लिगेंड बना लिए, ठीक। आपको एक स्ट्रक्चर तो ये दिख रहा, एक स्ट्रक्चर मैं बना के बता रहा हूं, यहां पर एक मेटल आयन है, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड, छठा लिगेंड। अब क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन है कि दोनों एक जैसे हैं, आपको एक जैसे दिख रहे हैं? मुझे इन दोनों में परिवर्तन दिख रहा है, मुझे इस दोनों में चेंजेस दिख रहा है। पहले तो मैं आपको समझा दूं है क्या आखिर का। हमने कहा कि हमारे पास एक मेटल आयन है, यानी एक मेटल है, ठीक है, सेंटर में, उसके चारों तरफ कितने लिगेंड है, छह, तो मैंने छह एन लिख दी, मतलब छह एनएसरीज के अंदर हो सकता है, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड छह होते हैं, यह हमें क्लियर होगी चीज, ठीक है। अब यहां पर मुझे दो चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही, पहली कंडीशन, मैं यहां पर तीन एक्सिस मान रहा हूं, मैंने इसको कह दिया है मेरे लिए जेड एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको मैंने जेड अक्ष मान लिया, ठीक है, ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, क्लियर है, और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। इस तरीके की बात हमने लिगेंड फील्ड थ्योरी में भी करी थी, ठीक है। अब आप यहां पर दो चीजें देखोगे, पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं जेड अक्ष में वृद्धि, और यहां पर लिख रहा हूं मैं जेड अक्ष में कमी, दो चीजों की बात हो रही है, जेड अक्ष में वृद्धि और जेड अक्ष में कमी की बात की जा रही है। आप देखोगे यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है जेड एक्सिस है ये लंबी दिखाई दे रही है, यहां पर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, क्लियर है ना। तो छोटा करने पर हुआ क्या, उसकी तरफ चलते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब किसी भी बॉन्ड को, किसी भी बंध को हम विरूपित करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका डिस्टॉर्शन करते हैं, उसके पथ से भटक जाते हैं, उसके बॉन्ड को हमने कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, क्लियर है ना। तो हम कह रहे हैं कि एक में बंध की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, एक में बंध की लंबाई हमने कम कर दी, यानी उसको छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हुआ क्या, ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक में बंध तो लंबा है और एक में बंध क्या है, संकुचित है, क्लियर हो गया। अब यहां से दो बातें आपको क्लियर हो जाएगी, यहां पर दो प्रकार के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सियल, हिंदी में बताऊंगा इसको मैं अक्षीय, इसको क्या बोलते हैं, ए से बता रहा हूं मैं अक्षीय, कौन सा बॉन्ड, अक्षीय, ठीक है, एक्सियल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक एक्स आई ए एल, ये जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है जेड एक्सिस, ये हो गया आपकी एक्सियल, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट, दूसरा होगा ये वाले जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये और ये, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल, मैं यहां पर लिख रहा हूं द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल, मतलब निरक्षीय, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं उसको। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड है आपके पास में, एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस के सापेक्ष जो बॉन्ड बना हुआ है इसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, सॉरी एक्सियल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है जो मैं ए लिख रहा हूं इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये तो अक्षीय बंध हो गया, ये निरक्षीय बंध हो गया, क्लियर, या तो समझ में आ रहा, तो ये अक्षीय बंध हो गया, ये निरक्षीय बंध हो गया, दोनों के अंदर सेम टू सेम फिनोमिना। अब हुआ क्या, उसकी तरफ हम चलते हैं, और यहां पर एक लाइन लिख लो आप, क्या है लिखना, जब एक अष्टफलकीय संकुल में
इफ एनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब एक अष्टफलकीय संकुल में, ठीक है, अक्षीय बंध यानी एक्सियल बॉन्ड, निरक्षीय बंध से लंबा होता है, एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से लंबा हो जाए, मतलब अक्षीय बंध किसमें लंबा है, पहले वाले में, ठीक है, यहां पर ये लंबा है और यहां पर ये छोटा हो गया, तो हमने कहा अक्षीय बंध लंबा हो जाए, किंतु जब संकुचित होता है, तो देखो पहले क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जब जेड अक्ष में वृद्धि कर दी तो यहां पर एक्सियल बॉन्ड लंबा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा है, जब हमने इसकी साइज को कंप्रेस कर दिया, संकुचित कर दिया, तो एक्सियल बॉन्ड छोटा हो गया और इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, क्लियर है ना, तो यही बात लिखना है, लिख लो, किंतु जब संकुचन होता है, तो निरक्षीय बंध यानी इक्विटोरियल बॉन्ड, अक्षीय बंध से एक्सियल बॉन्ड से लंबे हो जाते हैं और यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, और यह धातु यानी सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के ओवरलैपिंग, लिगेंड के अतिव्यापन पर निर्भर करता है, किस पे डिपेंड है, ये मेटल आयन और लिगेंड के ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड्स होता है, इट इज डिपेंड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड्स, तो धातु केंद्रीय धातु परमाणु या धातु और लिगेंड के अतिव्यापन के ऊपर निर्भर करेगा, तो इसमें एक लाइन अच्छी सी आ जाएगी, लाइन नोट कर लो, लिखो, अतिव्यापन जितना अधिक होगा जॉन टेलर प्रभाव उतना ही अधिक होगा, अतिव्यापन जितना अधिक होगा जॉन टेलर प्रभाव उतना ही अधिक होगा, when overlapping is maximum then effect of John Taylor theorem is maximum, clear, समझ में आ गया, तो ये हो गया, अब यहां पर हमने दो बातें करी, उन दोनों बातों को वापस दोहरा देते हैं, हम कह रहे हैं कि एक बार में जेड अक्ष में वृद्धि हुई यानी जेड एक्सिस जो है वो बढ़ गई और दूसरी बार में जेड एक्स में कमी होगी, बनाना है क्या, हाँ नोट कर लो, इसको बना लो, इन दोनों स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें, ये जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसके बेसिस पर ही आप इसको समझा सकते हो, बिना इसके आप इसको समझा नहीं सकते, ध्यान रखना, क्लियर है ना, अब जेड एक्स में जो वृद्धि हुई और जेड एक्स में जो कमी हुई है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा, चलते आगे, अब आगे चलते हैं हम, यहां पर हमने कहा कि जेड एक्सिस में कमी और वृद्धि होती है यानी एलोगेशन ऑफ जेड एक्सिस और कंप्रेशन ऑफ जेड एक्सिस, यानी जेड अक्ष में वृद्धि और जेड अक्ष में संकुचन यानी कि कमी, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो डी होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, क्लियर है, वो टोटल कितने होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं डी 5 होते हैं, क्लियर है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में कौन सा ऑर्बिटल है, डी, क्लियर ना, कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, अब आप अच्छे से जानते हो कि जो डी ऑर्बिटल है 5 होते हैं, कौन कौन से डी होते हैं, डी एक्स वाई, जानते हो ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने टी टू जी और ई जी के रूप में बांट रखा है, शुरुआत वाले जो तीनों होते हैं इसको हम लोग
टी2 जी कहते हैं, आखिरी वाले दोनों को हम लोग ई जी कहते हैं। क्लियर है? ये हमें अच्छे से जानकारी है। अब यहां पर हुआ क्या उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर तो बना दिया पर आखिरकार हुआ क्या। देखो यहां हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं पहले 3D की, यहां पर मैं 2D की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2D कौन से? dx² - y² और dz². यहां पर मैंने 3D की बात कर दी, ठीक है। कौन कौन से? dxy, dyz और dzx। कोई परेशानी नहीं यहां तक? बिल्कुल ना, समझ आ रहा। आगे चलते हैं। अब यदि यहां पर जेड अक्ष में वृद्धि होगी तो क्या होगा और जेड अक्ष में कमी होगी तो क्या होगा, देख लेते हैं। इसी प्रकार से वापस में एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम लिखूं, ठीक है। यहां पर मैंने 2 लिख दिए, ये से कैसे? dx² - y² और dz² 2-3 नीचे बचे हुए, तो यहां पर मैंने लिख दिया dxy, dyz और dzx। अब ये कैसे टूटते हैं या कैसे जाते हैं, तो ये 2 भागों में स्प्लिट हुआ, ठीक। तो ऊपर कौन जाएगा? यहां पर रहेगा dx² - y² यहां पर रहेगा dz². क्लियर? यहां पा रहा हूं मैं, यदि z एक्सिस पर उसका कंप्रेशन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, तो इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा dz² और यहां हो जाएगा dx² - y². क्लियर? फिर उधर चलता हूं तीनों की तरफ। यहां पर क्या होगा? यहां पर यह होगा कि जो एक है शुरुआत वाला dxy, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और जो 2 नीचे dyz और dzx, वो नीचे की तरफ होंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि यहां ऊपर आ जाएगा dyz, ठीक है, और dzx, और यहां पर हो जाएगा dxy, ठीक। ये कब हुआ? जब उस d के अंदर या तो z एक्सिस क्या हुई, बड़ी, या z एक्सिस कम हो गई। बना लो इसको, क्लियर है ना? ये हेडिंग डाल के लिखना, एलोगनेशन ऑफ z एक्सिस में वृद्धि होने पर और संकुचन ऑफ z एक्सिस में कमी होने पर। तो इस तरीके से आप इसमें एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में, यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, यानी कि इनको आप बना सकते हो। क्लियर है? एक मैं कोई छोटा सा एग्जांपल लूं तो उसके बेसिस पर भी इसको समझा देता हूं। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूं। देखो यहां पर ले रहा हूं मैं Cu, जेड एक्सिस बढ़ा दी मैंने, F, 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 F और F, यहां पर आ रहा हूं मैं, यहां पर लिखा Cu, F, 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 F और F। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया, यहां पर z एक्सिस हमने बढ़ा दी, यहां पर z एक्सिस को हमने कंप्रेस कर दिया। तो इसके बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, समतील चतुर्भुज का। यह तो हमने इसको किसके बेसिस पर समझा? अष्टफलकीय यौगिकों के बेसिस पर, ठीक है, ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पर हमने इसको समझा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर का, तो एक हेडिंग डाल लो, समतल वर्गाकार ज्यामिति, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान रखना। कौन कौन सा? या तो उसके अंदर dsp2 संकरण होगा या sp2 डी संकरण होगा, दोनों में से कोई एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो सकता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। समझा हमने NiCN4 2- इस केस के बारे में बात करते हैं।
पहले तो नाम क्या है उसकी तरफ चलते हैं। टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड आयन, ठीक है, टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड आयन, मतलब आप अच्छे से जानते हो कि एनआई का एटॉमिक नंबर 28 होता है। मतलब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, 4p0, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है? मतलब एनआई के सबसे लास्ट वाले कंडीशन की बात करें तो आप क्या लिखोगे, सर 3d8 होगा, क्लियर, 4s2 होगा और 4p0 हो जाएगा, ये लिखोगे ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब मैंने यहां पर लिख दिया Ni2+, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाल दी s में से, तो आप क्या लिख सकते हो कि सर 3d8 है, 4s0 है और 4p0 है, क्लियर। अब हम बना देते हैं इसका ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले d है तो हमने d बना दिया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या एस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, 4s0। क्या 4p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो ये आपकी हो गई ग्राउंड स्टेट। आ रहा समझ में? अब हम चलते एक्साइटेड स्टेट, मतलब जब इस ऑर्बिटल को एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी दोगे, ऊर्जा दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब यहां पर आ गया तो आप क्या लिख दोगे, इस तरीके से लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये डी खाली हो जाएगा। एस पहले से खाली पड़ा, पी भी पहले से खाली पड़ा। इससे पहले हमने लिगेंड फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, दान करता है, तो यहां पर आपको कितने सीएन दिखाई दे रहे हैं, 4, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां के, दो यहां के 4, दो यहां के 6 और दो यहां के 8, मतलब एक सीएन तो भागीदारी यहां कर रहा है, दूसरा एस में कर रहा है और दो सीएन की पार्टिसिपेशन हो रही है पी के अंदर। मतलब सीधा सा क्या दिखाई दे रहा है, एक डी ने पार्टिसिपेट किया, एक ए ने, एस ने भाग लिया और दो पी ने भाग लिया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया डीएसपी2। क्लियर, आसानी समझ में आ गया। अब डीएसपी2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो होगा क्या, ये इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सबने युग्म बना रखे, जोड़े बना रखे, ठीक है ना, सब पेयर कंडीशन में। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो अणु है ये प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि इट्स शो पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या लिखोगे, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय, यानी कि सॉरी डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय का मतलब हो जाता है डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, ठीक है ना, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर को शो करता है। क्लियर, तो ये आपको इतनी जानकारी यहां से मिल जाती है। तो ये हमारा फिनिश होता है जॉन टेलर थ्योरम, और इसके बेसिस पर हम ऑक्ट्राइडल और स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, और ये बताता है जनरली किसके बारे में, उनकी विकृति के बारे में, उनके डिस्टॉर्शन के बारे में। तो फिनिश होता है जॉन टेलर थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।